अभी हम निकले हैं पावागढ़ के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए पावागढ़, जो कि बावन शक्तिपीठ में से एक है। अभी हमें रोपवे से जाना है क्योंकि इधर बहुत सारी पायरिया है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए रोपवे के लिए। से जाना पड़ता है और वहाँ पे पावागढ़ का मंदिर है। देखो अभी हम यहाँ से चढ़ने वाले, अभी हमारी रोप वे चालू हो गए। खड़ो रोप वे बड़ी खड़ो ले खड़ो से। फाइनली हम पहुंच गए रोप वे में, रोप वे से ऊपर, और अभी हमें और ऊपर जाना है। ये देख सकते हो आप, इतना ऊपर जाना है और अभी 180 पायरिया चढ़नी है। और आप देख सकते हो अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल्स है अलग अलग। ये बहुत ज्यादा ऊपर है। आप ऊंचाई कितनी है? तो गाइस ये देख लिए आप, आपको बताता हूँ ऊंचाई। वो आपको रोड दिख रही है जिगजैग, फिर वो रोड से आने के बाद हमें रोपवे से आना है, और उसके बाद भी हमें 180 पायरिया चढ़नी है। उतर रहे हैं और यहाँ पे सबको डर लग रहा है। उतर गए, अभी हम जा रहे हैं डाको। तो गाइस अभी हमें दिखी है जो विंडमिल है, विंडमिल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसकी फैक्ट्री। यहाँ पे उनके जो पंख है वो बने हैं, आप देख सकते हो। ये हमें डाकोर जाते समय दिखी है, अभी हम जा रहे हैं डाकोर। तो गाइस अभी हम आए राजपूत सेवक जो थे उनके मंदिर में। वो जिंदगी भर द्वारका के मंदिर में जाते थे। जब वो बूढ़े हो गए तब उन्हें लगा कि अब मैं कैसे जाऊंगा, तो उन्होंने मूर्ति लाई थी। उनके सपने में एक भगवान आए, कृष्णा भगवान जी आए थे, तो उन्होंने बोला था कि तुम मुझे लेके आ जा। तो उनका मंदिर है और उन्होंने द्वारका की मूर्ति यहाँ पे लाई थी। उसकी और कहानी है। अभी हम जा रहे हैं राजपूत जी के घर पे, जिन्होंने द्वारका की मूर्ति लाई थी। उनका घर आपको मैं बता, वो जो ठाकुर जी थे राजपूत जी, वो यहाँ पे रहते थे। ये उनका घर था। ये उनकी पादुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वीडियो ओपन पादुका ऐसे लाया था और वो यहाँ पे रहते थे।
मार सुनत नहीं रहा था तो नस नहीं डाली थी उनका बाइक होना जैसे नथनी को वजन हुआ वैसे पिंडू पर उड़ गया तो ब्राह्मण भी डर गया कि वहाँ कैसे रह गया ज्यादा बड़े भक्त है भगवान को तो गाइस 1155 यानी 1155 में यहाँ पे मूर्ति मिली थी। यहाँ पे पूरा द्वारका की मूर्ति जो अभी हमने देखा जिसकी दर्शन किया। यहाँ पे पूरा पानी भरा था, अभी इन्होंने ये मंदिर बनाया है। जो द्वारका जी से जो मूर्ति आई थी ना राजपूत ना वो यहाँ रखी थी। द्वारका जी से जो मूर्ति आई थी राजपूत जी ने वो यहाँ पे छुपा के रखी थी।